धर्मनगरी हरिद्वार की नगर कोतवाली पुलिस ने दबिश दी और एक होटल से आईपीएल के मैचों पर सट्टा लगा रहे 10 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 1 लाख रुपए नकद, 2 लैपटॉप और 28 मोबाइल सहित सट्टा संचालित करने वाला उपकरण भी बरामद किया है। मुखबिर के द्वारा खबर मिली थी कि यहाँ पर आईपीएल मैचेस पे सट्टा लगाया जा रहा है किसी एक होटल में, तो उस पे उसी सूचना पे हमारे द्वारा कार्यवाही की गई, तो हमारे द्वारा ये 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जिनके पास से लगभग 1 लाख रुपया, इसके अलावा लगभग 20 के आसपास मोबाइल्स बरामद हुए हैं। और इनसे पूछताछ में पता पड़ा कि इनके द्वारा आईपीएल में सट्टा लगाया जा रहा था। ये 10 जो अभियुक्त हैं ये हरियाणा के रहने वाले हैं, करनाल के रहने वाले हैं, तो इनसे पूछताछ की जा रही है कि इनके और भी साथी हैं या नहीं हैं। ये आपस में सारे दोस्त हैं और ये दोस्त हैं यहाँ पर हरिद्वार आए थे, हरिद्वार में होटल में आए थे और इनके द्वारा आईपीएल के सट्टे का काम किया जा रहा था। कई बेसिकली इसमें जो होटल वाले हैं उनके खिलाफ भी, उनको भी नोटिस दिया गया है और पुलिस एक्ट पर उन पर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा सभी होटल व्यवसायियों से मेरी अपील भी है कि जो भी यहाँ पर आता है हरिद्वार, क्योंकि एक तीर्थ नगरी है तो यहाँ पर काफ़ी पर्यटक आते हैं, तो जो पर्यटक आते हैं उनकी आइडेंटिटी ज़रूर वेरीफाई करें और अपने होटलों को इस तरीके का गढ़ ना बनने दें कि कोई सॉफ्ट टारगेट रखकर होटलों में आकर इस तरीके की कार्रवाई करें। तो हरिद्वार पुलिस इसमें, ये लगातार दूसरी बार हरिद्वार पुलिस को सफलता मिल रही है, तो एक मैसेज भी इससे जा रहा है क्योंकि किसी तरीके का सट्टा, क्योंकि काफ़ी जो इंसान है वो काफ़ी मुश्किलों से पैसा कमाता है और वो पैसा इस तरीके से कमा देता है, तो ये एक बड़ा क्राइम है। कितना पैसा इनके पास? इनके पास से जो मिला है वो 1 लाख रुपया ही मिला है जो कैश में मिला है, लेकिन बेसिकली जो ये बता रहे हैं कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के थ्रू ये पैसा इधर से उधर करते हैं। तो ये नया, बेसिकली ये कह सकते हैं कि एक नया ट्रेंड है जिसमें कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स ये करते हैं। ये नया ट्रेंड तो क्या, क्योंकि अब ज़्यादातर ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन होते हैं तो उसी को ये यूज़ कर रहे हैं। तो अभी देखिए, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इसका भी हम पता करेंगे, क्योंकि अभी तो ये प्रिलिमिनरी है, अभी तो इनको अरेस्ट किया गया है, अभी इनसे पूछताछ की जाएगी और इनका आपराधिक इतिहास भी देखा जाएगा कि पूर्व में भी ये किसी तरीके के सट्टेबाजी में अगर जेल गए हैं या नहीं गए। क्योंकि हरिद्वार से लिंकअप का भी वो इन्वेस्टिगेशन विवेचना के दौरान ही पता पड़ पाएगा। ये पूछताछ हमारे द्वारा की गई लेकिन इन दोनों का कोई लिंकेज अभी तक मिला नहीं है, लेकिन फिर भी इसके और भी तरीके हैं तो उनसे भी इसको हम तस्दीक करेंगे कि क्या पिछले वाले गैंग से इनका कोई लिंकअप था या नहीं।